सिस्टम है ना ये ट्रैक्शन वगैरह का, ये एंडेवर के हिसाब का है ठीक है। ये ऑफ रोडिंग बहुत कैपेबल है गाड़ी, पर ये हाइट की वजह से मार खा जाती है। सैंड ड्यून्स में भी इसकी छाती टिक जाती है गाड़ी की, बहुत प्यारी चलती है सैंड ड्यून्स पर, जहाँ पे टिक गई पर तो वहाँ टिक गई भाई। ये बताऊँ क्या है, इसमें थोड़ी सी पावर की कमी लगी थी इस गाड़ी में। एंडेवर जैसी सस्पेंशन है, एन के सस्पेंशन बहुत प्यारे है, और इसके भाई डिस्प्ले भी थोड़ी सी ना लैग सी है। लोडिंग्स पड़ेगी टोटल देखा जाए तो भाई 4 के करीब पड़ेगी। हाँ तो भैया स्वागत है आप लोगों को नई वीडियो में। आज अपने साथ है भाई स्कॉर्पियो Z8 लग्जरी वाला वेरिएंट, 4x4 वेरिएंट रहने वाला है भाई। और भाई ने इसमें अच्छी खासी लोडिंग्स करा रखी है, देखा जाए तो भाई टॉप मॉडल लेके कोई नहीं कराता लोडिंग्स, और वो भी एन में, लेकिन भाई ने करवा रखी है देख लो। और क्लासिक में ज़्यादातर आपने अलॉय लगे हुए देखे होंगे, लेकिन एन में भी लगवा रहे हैं ना। एन में एक तो स्पेस की कमी है, और स्पेसर के बाद ही अलॉय लगते हैं आपके, देख रहे होंगे इसमें बाहर आ रखे हैं काफ़ी हद तक अलॉय भाई। और ये अपना टॉप एंड वेरिएंट रहने वाला है, 28 लाख रुपये लगा लेके, और फिर उसके बाद इसमें लोडिंग्स कराना, मतलब आराम से 2-1 लाख रुपए की 3 लाख रुपए की लोडिंग्स हो रखी है। सिस्टम भी लग रखा है इसमें हैवी सा, तो आज सारी चीज़ें कवर करेंगे। हमारे साथ आ चुके भाई आयुष भाई, क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई, सुनाओ। बढ़िया भाई, तो भाई कौन सा वेरिएंट है अपना ये, और कब ली थी आपने? 23 जो टॉप लाइन आती है ना Z8L 4x4। कितना की पड़ी थी भाई आपको ये? 28 लाख रुपए की। अच्छा, उसके बाद बीच में भाई 4-1 लाख रुपए लगा दिए। 4-1 लाख की लोडिंग्स कर दी आपने गाड़ी में भाई? फ्रेश ही लगवाए, अलॉय व्हील दिख रहे होंगे। हां, अलॉय भी दिख रहे हैं भाई, लेकिन फ्रंट से बताओ पहले, आप अलॉय बाद में आते हैं भाई। फ्रंट से आप देख रहे हो क्रोम आती है पूरी। हां, ये आपने डी क्रोम करा दी। ये पूरा डी क्रोम पेंट करवा रखा है भाई। पेंट है भाई, एक रैप नहीं कराया आपने? वैसे तो आप रैप कराते हो भाई अपनी हर गाड़ी में। इसमें चलता नहीं है। अच्छा, ज्यादा नहीं चलता। और ये स्मोक है, इसमें अपनी भाई डायमंड आई हो रखी है अंदर। डेमन आई जल नहीं रही है, अभी दिखा देंगे जला के। और नीचे अपने जो इसमें कंपनी वाली लाइट है वो सारी डेमन आई वो नहीं करवा रही कि खुलवा के उससे ना मॉइस्चर बन जाता है अंदर लाइट में। तो भाई डेमन आई फिर हुई कैसे? से पीछे से है जगह ओपन करे ही, पीछे से कर रखी है भाई उसने। तो मैं तो सिर्फ पैसे दिए थे उसको। अच्छा, उस... ऐसे करके दे दो, उसने कर दी। बता आगे से नहीं खोलने दिया, मना कर दिया आगे से नहीं खोलने। बस वो जुगाड़बाजी करी और होगी। बढ़िया चल रही है भाई, एक बार जला के दिखाओ भाई। ये देख रहे हो आप रेड सी जो दिख रही हो आपकी थोड़ी थोड़ी, ये रात धूप हो रही है तो इसलिए ज़्यादा अच्छी वो नहीं दिख रही, नहीं तो लेकिन रेड सी देख रहे होगे आप, दूर से भी नजर आ रही है। तो ये भाई ने करा रखी है इसमें डिमन आई, जो कि भाई खुलवाई नहीं है, खुलवाने से लाइट में थोड़ा मॉइस्चर, वो लंबे टाइम के लिए ख़राब हो जाती है लाइट, तो इसलिए भाई ने पीछे से ही करवा दिया जुगाड़ इसमें देखा जाए तो। साइड भाई फ्रंट से कितने का हो रखा है आपका काम भाई? फ्रंट से ये सारा बताऊं डी क्रोम का, हाँ ये भाई 15,000 रुपए का हुआ है। ये सारा जो चारों तरफ का जितना क्रोम है सारी चीज़। और ये डेमन आई भाई ये हुई थी 12,500 रुपए की। अच्छा, ये जो पीछे से करी उसने सेट, इसमें लाइट भी इंक्लूड है जो भी है, ये स्मोक बॉक्स सारी चीज है ना, सब कुछ इंक्लूड है इसमें। जो मैंने आपको बताया ना 15,000 रुपए की जो ब्लैक आउट हुई है, हाँ ये इसमें इंक्लूड है। ये 12 की है, और आगे आगे चलते जाएंगे और भाई इसे ऐसे इनका लाइट्स का थ्रो तो ना के बराबर है। आज स्मोक के बाद तो बिल्कुल खत्म हो गया होगा, फिर आपको लग रहा है कुछ सही होती है ना? हाँ, वैसे मजाक से ठीक कह रहा हूँ, उनको दिख जाता है। हाँ, हाई बीम पे और अच्छा हो जाता है, अपने गुड़गांव जरूरत ही कहें भाई हेडलाइट कितनी कैडी की। बट ये तो है अगले आदमी की थोड़ी सोच के चल रहे हैं भाई देखा जाए तो। अब आ जाओ भाई साइड पे, और अपने अलॉय बताओ भाई क्या क्या सीन है अलॉय का, कितने इंच है ये? 22 इंच अलॉय है ये, देख रहे हो आप प्रोफाइल दिखा दूं आपको, जो एन में लग रहे हो आप 285/40R22 5 नट स्पेसर के साथ लगे होंगे भाई ये तो। स्पेसर के साथ भाई के अलॉय लगे हैं, तभी ये थोड़े थोड़े बाहर आ रखे हैं आप देख रहे होंगे भाई। क्या जरूरत पड़ गई आपको अलॉय में? इसके एन में वैसी कंपनी के बढ़िया आते हैं पास है। हाँ भाई बिल्कुल है। क्या हाइट है उसकी? ऐसी तो है भाई, हाइट में बहुत 19-20 का नहीं, 19-21 का फर्क आ जाता है गाड़ी में। होगी हाइट उसकी सेल्टोस से हल्की सी ऊंची। ना नहीं, ज्यादा ऊंची है सेल्टोस, थोड़ी सी ऊंची होगी, ज्यादा ऊंची भी ना है। हाँ, बताओ हाइट गाड़ी ना भाई, गाड़ी की हाइट बढ़ी है बिल्कुल। यार एक बताऊं क्या क्यों लगवाई? हाँ भाई, यार 4x4 ले कहीं चढ़ाने का मन कर जाए तो इसका रेडिएटर बिल्कुल यही है। रेडिएटर का डर होता है भाई, इसमें काफी लोगों की शिकायत भी है कि रेडिएटर टूट जाता है, वो हो जाता है, तो रेडिएटर खराब भी हो जाता है अगर ऑफ रोडिंग करे, और भाइयों को ऑफ रोडिंग का थोड़ा शौक भी है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो साइड से गाड़ी लिफ्ट हो रखी है, और आगे से भी देखा जाए तो कुछ गुटके वगैरह लगवाए भाई आपने इसमें? जैसी है कटवाई वगैरह कुछ? स्पेसर इसलिए लगवाए थे अगर ये अंदर होते ना, देखो ये लग रहे स्पेसर, ये लग रखे भाई स्पेसर, ये इसलिए लगवाए अगर अंदर होते ना अलॉय व्हील तो फिर भाई यहाँ भिड़ती है आगे पीछे दोनों जगह ना। कटवाई नहीं आपने मतलब? थोड़ा सा बस यहाँ से ट्रिम करवाई है,
ये हिस्सा कटवाया आपने भाई, लेकिन भाई साइड लुक देखे ना गाड़ी इतनी बढ़िया लग रही है। ये पूरा भाई डीक्रोम करा दिया आपने, ये सारे आपके उसमें आते हैं क्रोम फिनिश के साथ, ये भी क्रोम की लाइनिंग आती है पूरी, और यहाँ भी ये भी करवा दिए, और ये तो टेंट कराए रखे भाई ने। देखा भाई कितने का पड़ा लगा आपको भाई? ये पड़े मेरे को 250 के, 2.5 लाख रुपए के। अब बताऊं, दो कैश दिए हैं, 50,000 के पुराने वाले चले, क्यों? क्योंकि उसमें ना वो था, पेंट करवा रखे थे ब्लैक। अच्छा, तो इस वजह से वो तो कंपनी वाले होंगे, टॉप मॉडल वाले जो कंपनी वाले आते हैं ना जो, हाँ वो वाले थे। तो इसमें टायर इंक्लूड है भाई 2.5 लाख में? सब कुछ है, ये मान लो मैंने अपने टायर दिए, हाँ 2 लाख रुपए अलॉय व्हील और ये सारी चीज मेरे को दे दी, स्पेसर के साथ सब कुछ है, 15,000 के स्पेसर लगे थे भाई, फिर तो बढ़िया। और ये भाई अपने चाइनीज है, कौन से अलॉय? अब देख लो इसकी कंपनी, ये एनवी व्हील्स के साथ कंपनी, और ये टायर थाईलैंड इंपोर्टेड है भाई, थाईलैंड का काम बहुत अच्छा है, मायपुरी गहरा करोल बाग वगैरह वालों से बहुत अच्छा काम है। पैसे लेते हैं, मतलब जेन्युइन चीज देते हैं। देखो पैसे अगर आप गुड़गांव में काम कराओगे तो पैसे लेंगे, दिल्ली में इस वजह से लोग भगते हैं, वहाँ कम पैसे लेते हैं, पर अब 19-20 का ही फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है कहीं। जेन्युइन चीज मिल जाए तो और बढ़िया, और कुछ कल को शिकायत है तो करोल बाग जाने में दूर ना भागना पड़े, हाँ यही अपने पास के पास करवा लो, वो सही है। बहुत लाइट वेट होते हैं, अब फर्क नहीं आया होगा ज्यादा आप देखोगे तो, कह रहा हूं 19-20 तक का भी फर्क नहीं आया, माइलेज 10 की दे रही है लोकल में अब भी, और स्टीयरिंग में भी नहीं आया हार्डनेस कुछ भी है, इसमें और एंडेवर में नहीं आता, स्टीयरिंग फॉर्च्यूनर वगैरह जिनका वैसे हाइड्रोलिक होता है ना उसमें आ जाता है, फर्क ज्यादा। पीछे से भाई ने कुछ ज्यादा नहीं कराया, ये भी डी क्रोम है। अच्छा, ये लाइट चेंज कराई भाई? ये कंपनी से कराई, बाहर से कंपनी भी करती है भाई इनको चेंज? भाई कंपनी में से लगवाने का फायदा क्या, बाहर से करवा ली थी, बाहर से सस्ती पड़ती है एक तो, नहीं तो कंपनी भी करती है। लाइट भी ये भी चेंज होगी, ये आपने चेंज होगी या ये अभी तो अभी स्मोक करा रखी ना आपने? ये स्मोक है पर अभी वो लगवाएंगे आफ्टर मार्केट में, ये पूरी जलती है, हाँ ये भी आधी जलती है लाइट, और नीचे जलती है भाई, ये यहाँ तक कहीं जलती है ये, हाँ ऐसे जलती है, जिसको ब्लैक करवा देते हो फिर अच्छी नहीं लगती ना। ना भाई बिल्कुल, अब आगे आफ्टर मार्केट वाली पूरी जाती है फ्लो में ऊपर तक मैट्रिक्स की तरह, और ये भी आप भाई सिस्टम दिखा रहे हैं, और ये लो भाई अभी इसको चला के दिखाएंगे भाई। भाई पहले तो मेरे को सिस्टम के वो दे दो एक छोटा सा भाई, ये ट्यून्ड पेटी है, हाँ भाई नीचे के वूफर है, 1200 RMS के, ये सब आपने कस्टम बनवाया है? हाँ कस्टम सब कुछ, मतलब ये पेटी का ही होती है, लकड़ी वाले के पास गए बना दी, हाँ ले जाओ। नहीं ये वूफर वगैरह भी? ये वूफर वगैरह तो भाई परचेज ही कर रहे हैं। अच्छा, हाँ तो कितने का भाई सिस्टम? भाई ये सिस्टम पड़ गया पूरा बताऊं, एम पूरी गाड़ी का बता दो भाई, एम्प के साथ लगा के भाई 85 85 का, जिसमें पेटी कितनी की होगी? चलो अब ये बताओ भाई पेटी का, मुझे खाई कोई आइडिया नहीं है सिस्टम का, क्यों बताओ झूठ बोलो? मेरे को ये पड़ी थी 21,000 रुपए की पेटी, ये पेटी हैवी है भाई काफी है भाई। ये बताऊं क्या होती है, ट्यून्ड होती है, अंदर देखो अंदर लो है ये लो, हाँ जिससे मतलब ये है कि साउंड और अच्छी बन जाती है और सराउंड भी बन जाती है लोहे में। वूफर को हम वैसी पेटी में लगाएंगे ना कोई आउटपुट नहीं आएगा, इनमें आता है। तो ये थोड़ा बहुत तो लकड़ी भी यूज हुई होगी इसमें, सारा लोहा है, ये लकड़ी है और अंदर ये मेटल है। हाँ मेटल है अंदर, तो ये तो सही एम्प लग रहा है भाई, मोनो। ये अपनी जो जीरो गेज वाली सबसे हैवी वायर आती है वो, जो वायरिंग सारी आपने बढ़िया, क्योंकि भाई एन में ना सेंसर वगैरह का ज्यादा काम है, तो वायरिंग जितनी बढ़िया हो ना उतना बढ़िया। स्पीकर छोड़ के भाई ये ट्विटर वगैरह छोड़ के ना, हाँ और में वैसे वो मिड रेंज लगवा रखी है सब में, हाँ। तो ये अब तो अंदर टेस्ट करेंगे भाई कैसी क्या आवाज आ रही है, देता है बेस सत, तो सत में डैम्पिंग नहीं करवाई भाई आपने? भाई डैम्पिंग डूम्पिंग पूरी गाड़ी में नहीं करवाई डैम्पिंग? फिर देख कोई बात नहीं, सुनेंगे भाई आवाज कैसी है। तो भाई अब आ चुके हैं इंटीरियर में, इंटीरियर तो आप देख रहे हो, एन में कोई जरूरत नहीं इंटीरियर में कुछ कराने की, सब बढ़िया है। एम्बिएंट करा रखी भाई? ये भाई ने एम्बिएंट करा रखी है, K4 की है वो वाली जो आती है, K4 वाली जो है भाई। भाई आपने 28 लाख रुपए पहले लगा दिए गाड़ी पे, फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन, मतलब घर वालों को ये नहीं आएगी यार, और वो भी एन पे आप मॉडिफिकेशन करा रहे हो, तो इसमें सेंसर वगैरह बहुत आते हैं और सिस्टम लगवा दिया आपने, एक भी तार अगर कुछ गड़बड़ाया तो इसमें लाइट आ जाएगी भाई। पर ऐसी जगह से करवाए नहीं ना काम, बढ़िया करवाया हमने भाई। 10,000 रुपए फालतू ले लो, लेकिन ये है कि गाड़ी में काम बढ़िया होना चाहिए भाई। इन गाड़ी में जिनमें सेंसर होते हैं ना, हाँ इनमें करवाने ही ऐसी जगह चाहिए काम, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई या तो गाड़ी फूक, फ्यूज वगैरह फूक जाए, कुछ भी हो सकता है। वाले की ना आदत खराब, अगर आप हॉर्न भी लगवा लो ना आफ्टर मार्केट, उस पे भी रोड़ा खड़ा कर देते हैं वारंटी में, वारंटी वाले केस में भाई। ये तो चीज है भाई, मान लो कोई दिक्कत आ गई, उनको एक चीज मिल जाए कि हमारी गाड़ी में दिक्कत नहीं, इसकी वजह से दिक्कत हुई, तो ऐसे ऐसे दिक्कत कर देते हैं फिर। तो भाई आपने मतलब लेने के बाद पहले ही सोच रखा था बनानी है गाड़ी, या लेने के बाद बनाया? बताऊं कैसे, लेने के बहुत पहले तो स्टॉक ही चलाते यार आदमी, हाँ भाई बिल्कुल बढ़िया चलाई अपने घिसी उसी जो भी चीज है की सारी चीज, फिर वैसी चीज देखो देख यार दुनिया लोई डलवा रही है भाई। हाँ भाई डलवा लिए कोई यार गाड़ी के रेट की। कितना टाइम हो गया भाई इन अलॉयज में? भाई एक हफ्ता भी नहीं हुआ। अच्छा अभी डलवाया आपने, तो मतलब कितनी चलगी? जनवरी के बाद ये चलगी, 8 महीने चलगी, तो अभी आपने मतलब 8 महीने स्टॉक में चलाई, अभी लिए हैं अलॉयज?
पर वो रिप्लेस में कर लिए भाई मैं। कभी यार बाइक ट्रिप पे जाना पड़ा तो मैं देखता हूँ कि अलॉयज देने नहीं चाहिए कंपनी वाले। भाई एक बात बताऊँ, 22 इंच तक आप कहीं घूमे हो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी घूमे, मैं तो कह रहा हूँ 24 में भी घूमे हो, आदमी के भीतर वो होना चाहिए। लेकिन भाई इसमें एन में 22 इनफ आई गेस भाई, बहुत है ना, क्योंकि 24 में ना ये गाड़ी में अड़ने वाला सिस्टम और फिर कहीं लिफ्ट कराओ। महिंद्रा ने ना ये गाड़ी उस हिसाब से नहीं दी कि आप अलॉय व्हील लगाए के है ना, हाँ। खुली चीज करो, क्लासिक में कुछ भी कर सकते हैं, इसमें अंदर जगह नहीं है ना, टायर बाहर ही निकलते हैं। क्लासिक में भाई वो इतनी झुकी रहती है नीचे तक गाड़ी, उसमें भी तो कोई फायदा नहीं होता ना। तो भाई आपने मतलब इनमें कौन कौन सी वो लगवा रखे भाई, कंपोनेंट बदलवाए क्या बदलवाए सिस्टम में देखा जाए तो? भाई चार कंपोनेंट बीबी के, अच्छा कंपनी के, और अपने पीछे सबवूफर वगैरह जो पूरा पीछे रखा है सिस्टम वो तो है। और ये ट्विटर वगैरह भी, और ये बदलवा भाई, ये तो भाई ट्विटर चिल्ली मारते ज्यादा पसंद नहीं है, अच्छा आवाज आनी चाहिए और बेस दुम दुम बस। और जो इसका 3D सराउंड सिस्टम आता भाई उससे पक लेगा, मजा नहीं आएगा? नहीं है भाई, मैं तो इंडेवर के बढ़िया है बल्कि इसके नहीं है सिस्टम जो है 3D में आपको बिल्कुल मजा नहीं आया भाई? ये तो अपनी आईडी उससे करते हैं 3D बेस फुल कर दो। हाँ हमारा टेस्ट कैसे, सब कुछ फुल रखते हैं हम तो, मेड ट्रेवल सारी चीज फुल चला दो, दम 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 दम, अजीब सी ऐसे नहीं बाहर निकलने को हो रही है ऐसी आवाज करने लग जाती है। इसमें मतलब सेट है बिल्कुल, इसमें ओके है, सुन के देखना भाई अभी तो। ये भी भाई आपने कुछ चेंज कराया सोनी का? ये तो यही है, ये खुलवाने की जरूरत नहीं होती, ये बहुत दिक्कत हो जाती है आपके फिर। ठीक है जो चल रहा है वही चलाने दो भाई, बस एक बार सुनाओ भाई कैसी आवाज सेट कर रखी है आपने, और एक गाना चलाओ बढ़िया सा। भाई ये तो कुछ ज्यादा हैवी नहीं लगा दिया आपने, मतलब कान सिर में दर्द, कितने पे चल रहा है भाई ये लेवल सेट रहा है, ये हाफ पे कर रखा अभी आपने, फुल पे शीशे तोड़ देगा भाई ये। अरे भाई सिर दर्द हो जाता है, और कोई डैम्पिंग वगैरह कुछ नहीं है भाई ये। भाई आपको लगता नहीं थोड़ा टाइम बाद गाड़ी बजने लग जाएगी? लगता तो जब की जब देखेंगे पूरी गाड़ी आपको वो करानी पड़ेगी फिर। डैम्पिंग की तो है भाई, जैसे छत हिल रही थी ना अभी इसकी गाड़ी की, देखो बॉडी में ही तो होगी डैम्पिंग, प्लास्टिक पार्ट फिर भी बजने लग जाएंगे। बिल्कुल ये तो बात है भाई, और ये हैवी सिस्टम जो लग रहा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये भाई जो JL ऑडियो और ये JBL के है महंगे महंगे के लाख के सिस्टम आते तो फेल कर रहा है उनको तो, ये 45,000 में जो आपकी पेटी है पीछे की। एक तो सबसे मेन चीज तो आपकी बताऊं तो पहले तो वायरिंग, हाँ भाई बढ़िया जेन्युइन होनी चाहिए। दूसरा एम्प, ये लाइन वाइज बता रहा हूँ। तीसरा वूफर, पेटी चल जाएगी हल्की माड़ी, और ऐसी लगवाओगे ना तो मैं कह रहा हूँ, और छोटे ब्रांड के भी वूफर लगवाओगे ना वो भी बहुत बढ़िया आवाज दे, रिस्पांस अच्छा देंगे भाई। लाख में तो ये बढ़िया काम हो जाएगा, मतलब ये है कि ये भी आपका लाख तो खुदा नहीं है अभी, क्योंकि आपके ये वाले स्पीकर चेंज नहीं करा, और भाई जरूरत नहीं पड़ी ना इन चीजों की, ये खुल जाते हैं भाई ऊपर वाले। अब बताऊं क्या दिक्कत है भाई, स्पीकर चेंज अब बेस की वजह से ना स्पीकर की आवाज कुछ भी नहीं है, है ये तो बाहर से जब वो एम्प से ट्यून होगी ना सारी चीज तो हर चीज बढ़िया आएगी। अब स्पीकर में जैसे बाहर से करवाएंगे ना तो वोकल में ना स्पीकर आगे आएंगे और बेस पीछे हो जाएगी फुल आवाज पे, ऐसा होता है। अभी इसमें बेस ज्यादा है वोकल यहाँ है तो ठीक है, फिर सारा बढ़िया आपको मतलब गाना समझ में आता है पूरा, चलते समझ में आता है, और बेस ही चाहिए भाई ज्यादातर तो, मतलब पूरा वो किसी और की गाड़ी में बैठते होगे तो मजे नहीं आते होंगे, अपनी खुद के एंडेवर में बैठते होगे तो ऐसा लगता होगा नहीं उसमें मजे तो नहीं आते, पर वो सिर दर्द नहीं करती वो सेटिस्फाइंग, ये थोड़ा ये लंबे टाइम के लिए नहीं चल सकते, मतलब एक दो घंटा सुन लिया ना तो फिर आदमी ये है कि वो है सेट हो जाएगा भाई। ये दिखा रही 9.9 की माइलेज, वो भी अभी गिर गई भाई खड़े अभी कितने की दिखा रही थी भाई? 10 की, 10 की दे रही है भाई ये सिटी में, सिटी में इन अलॉयज के बाद दे रही है, पहले भी इतनी दे रही थी, पहले भी इतनी दे रही थी भाई ये तो फिर 4x4 में कम देती है भाई, 4x4 में गाड़ी का वेट बढ़ जाता है ना थोड़ा बहुत, डिफरेंशियल ऐड हो जाता है ना तो थोड़ा बहुत वेट में अंतर आता है ना, अगर 4x2 से देखो तो बहुत नहीं 100-200 किलो का तो आता ही है आराम से है भाई। और ये आपने जैसे 4x4 लिया रोलोइज लगा दी, उसके बाद टेस्ट करिए भाई कुछ ऑफ रोडिंग वगैरह में, क्यों करनी भाई थोड़े दिन चलने दो ये बात भी है, खैर कंपनी वाले में करी थी भाई
कैसी कितनी कैपेबल है भाई 4x4 में? भाई जहाँ तक गाड़ी नहीं टिकेगी वहां तक कहीं ले जाओ गाड़ी को। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो? भाई बताऊं क्या दिक्कत है, इसका रेडिएटर ना नीचे है थोड़ा सा, तो वो बढ़ जाता है, तो फिर ये टो के आती क्या सीन होता है फिर? भाई फिर तो चलाने को चला लो वो हीट हो जाती है, फिर थोड़ी थोड़ी देर में रुक के फिर आना पड़ता है। ये चीज है, नहीं तो टो के करवा के भेजो। भाई इसके जो ऑफ रोडिंग वगैरह भी करते हैं ना, जैसे बड़े बड़े चैनल है, उन्होंने बता रखे कि इसका जो प्रॉपर ये वाला सिस्टम है ना, ये ट्रैक्शन वगैरह का, ये एंडेवर के हिसाब का है, ठीक है। ये ऑफ रोडिंग बहुत कैपेबल है गाड़ी, पर ये हाइट की वजह से मार खा जाती है बस। इसको थोड़ा सा और ऊंचा होना चाहिए। सैंड ड्यून्स में भी इसकी छाती टिक जाती है गाड़ी की। अच्छा जी, हाँ ये भी टेस्ट कर लिया। हाँ भाई ये बहुत प्यारी चलती है सैंड ड्यून्स पर, जहाँ पे टिक गई फिर तो वहाँ टिकी गई भाई। ये तो चीज है भाई, यही है ग्राउंड क्लियरेंस कम है, थोड़ी सी और होनी चाहिए थी। क्लासिक के मुकाबले तो कम है इसकी ज्यादा। यार भाई क्लासिक की भी पीछे पीछे से है, आगे से तो आगे ऐसे होगा, ये भी आगे से थोड़ी नीचे पड़ती है भाई, पीछे से उठी हुई है। बताऊं क्यों, इनकी शेप ऐसी है ना, ये कभी गाड़ी जैसे उछड़े तो फिर उसमें भाई भगाने भगाने में कुछ अंतर आता है इसमें। हाँ कैसे, जैसे गाड़ी ऐसे है मतलब, तो उसमें कुछ चेंज आता है थोड़ा हवा काट के चल तो पता चला नहीं चेंज का। जैसे आप एंडेवर चलाते हो और इसमें कुछ फर्क लगता है आपको? ये इसमें थोड़ी हल्की है। ये बताऊं क्या है, ये इसमें थोड़ी सी पावर की कमी लगी थी इस गाड़ी में। अच्छा हाँ। थोड़ी और होनी चाहिए थी पावर। अब तो भाई 172 bhp दे दी, अब आप वो वाली होनी चाहिए थी पेट्रोल वाली पावर इसमें होनी चाहिए 200 bhp जो है। टॉर्क तो है भाई इसमें, लेकिन ये तो फील करा होगा आपने। ये है ना टॉर्क बहुत बढ़िया, मैं गाड़ी भगने की नहीं कह रहा, अपने हिसाब से खूब भगते, पर वो एक दिखता है ना लोड पड़ रहा है गाड़ी पे, इंजन भी थोड़ी सी आवाज करता है। देखो भाई अब यहाँ तक आप खुद ही चला के देख लो एक बार, थोड़ी सी जान लेती है। वैसे स्मूथ है सारी शिफ्टिंग वगैरह, पर जैसे लग इसमें आते भी नहीं है भाई वो जिप जैम ज़ूम वाला सीन भी नहीं आता इसमें। ये आवाज जो करता है ना इसका, वो थोड़ा सा ना लैग और पावर कम लगती है। अब देखो लो व्हील में फर्क आया नहीं? आया भाई बिल्कुल भी, सस्पेंशन में भी नहीं लगा कुछ भी, क्योंकि मैं खुद भी एन ओनर हूं। तो भाई एंडेवर जैसी सस्पेंशन है, एन के सस्पेंशन बहुत प्यारे है अगर देखा जाए स्कॉर्पियो भाई। और ये अलॉय इसका तो पता भी नहीं चल रहा बिल्कुल भी नहीं। अब स्टीयरिंग देख लो भाई काट ना, स्टीयरिंग में कोई डिफरेंस आया भाई? स्टीयरिंग में अपना थोड़ा सा तो लगा भाई मेरे को, भाई थोड़ा सा है। कैसे लगता है? हाँ कही है ना गाड़ियों में भी फर्क होता है, ये भी बात कह सकते हैं भाई। गाड़ी में फर्क होता है भाई। भाई ये तो चीज देखो, लैग हो गया इसका, लैग हो गया कैमरा, ये चीज है भाई। बहुत सारी एन में है ये, मतलब देखा जाए ना ये फ्रंट का हो गया भाई, अब ये पीछे का तो लैग ही है। ये चीज तो है, बहुत सी एन में है अभी, एन वाले पता नहीं कब करेंगे इसको रिजोल्व। भाई कितनी सर्विस हो चुकी इसकी, एक बार ही लेके गए सर्विस स्टेशन, हजार वाले में लिख गए हो, उसके बाद 10 पे तो होती है इसकी सर्विस। भाई ये तो देखा आपने, मतलब एक चीज नोटिस करी, अब क्लासिक का क्रेज जाता जा रहा है, एन का ज्यादा हो गया भाई। कहने की बात, उस गाड़ी क्रेज कभी खत्म नहीं हो सकता, मतलब ऑलराउंडर है वो जाएगी नहीं कभी मार्केट से। महिंद्रा वालों को पता है ना वो नहीं जाएगी, ये जब भी नहीं चलती, कितनी क्लासिक बिकती है अब भी। क्लासिक तो अभी बिक रही है, लेकिन सबसे मेन बात उस पर डिस्काउंट नहीं दे रहे भाई, और वो पैसे बढ़ा रहे। बल्कि गाड़ी में कोई दिक्कत देखी आपने आज तक भाई? क्लासिक में ये चल इक्की दुक्की गाड़ी भाई कंपनी से हो जाती है दिक्कत। हाँ एन में बहुत ज्यादा दिक्कत, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि टैक इतने ज्यादा दे दिए इन्होंने। महिंद्रा का और टैक देना, मतलब महिंद्रा के लिए थोड़ी सी ये है कि उनके टैक में दिक्कत आ गई तो रिजोल्व करने वाले नहीं है इनके पास, ये टीम नहीं है इनके पास, टीम के एक्सपीरियंस वर्कर नहीं है। एक तो यूट्यूबर वालों की तो होकर भी देते हैं, फिर नॉर्मल आदमी तो वीडियो बना नहीं पाता, उनके ऐसे ही हो जाती है देखा जाए तो। फिर भाई आपने 28 लाख में यही गाड़ी देखी थी या कोई और भी मन बनाया था? जैसे इस रेंज में तो खैर आपकी हैरियर सफारी जीप आती, कोई सी भी नहीं देखी, सीधा व्हील ड्राइव एसयूवी होती है क्या कोई? आपको रियल व्हील ड्राइव लेनी थी भाई? भाई एसयूवी का मतलब क्या होता है भाई? पीछे के टायर काम करते हैं, हड्डी गाड़ी होती है ऊंची सी। हाँ बिल्कुल, आदमी देख के लगे भाई। और ये लगती है 28 लाख रुपए की? हाँ भाई लगती है बिल्कुल, ये तो देखा जाए। कितनी ग्राउंड क्लियरेंस का, जो इसका स्ट्रक्चर है ना बॉडी का, हाँ वो प्रॉपर एंडेवर से भी ऊंचा कहूंगा मैं तो, पीछे से फॉर्च्यूनर से भी ऊंचा कहूंगा। और बॉडी रोल भाई ऐसे मान लो कि एंडेवर चला रहा हूँ मैं, ठीक है बॉडी रोल मतलब पहले के मुकाबले बढ़िया हो गया देखा जाए तो। आप भाई क्लासिक बहुत ढीले शॉकर है उसके, इसके तो बढ़िया भाई देखा जाए तो बिल्कुल बढ़िया ना ये कुछ। अब मैंने तो अलॉय में देख लिया, कुछ अंतर है नहीं गाड़ी में देखा जाए तो, बढ़िया चल रही है। तो 28 लाख में भाई रिकमेंड करोगा 4x4 लो? भाई बिल्कुल करूंगा मैं तो, ये कह रहा हूँ जब ये आई थी मेरे ख्याल से 21 में आई थी या 22 में आई थी भाई, ये आई थी भाई 21 में आ गई थी जब आती 26.5 लाख रुपए का टॉप मॉडल। हाँ अब देख लो जब लेते, अब तो खैर और बढ़ गए। और भाई ये जैसे अब ये वो हो गया भाई ग्लॉस ब्लैक फिनिश में हो गया, और ये क्या नाम है यहाँ पे चार्जर ऐड हो गया, चार्जर तो इसमें भी है।
भाई ये चीज मेरे को समझ नहीं आई, कुछ गाड़ियों में चार्जर है कुछ में नहीं है, पता करता है महिंद्रा। मैं पियानो की कह रहा हूँ, पियानो की 1500 रुपए लगने भाई, ये भी पियानो हो जाएगा, इतनी चीज ही नहीं देखते हाँ कोई फीचर वेंटिलेटेड ऐड होगी भाई अब, लेकिन हाँ भाई वो चीज वो उसकी कमी लगती है आपको इसमें, इसी बढ़िया गाड़ी का एसी तो ओके, पर जैसे नीचे की तरफ से अगर हम वरना का कंपेरिजन में देखे की भैया उस गाड़ी में इतनी सस्ती में आते हैं तो इसमें चाहिए होने चाहिए थे, अगर ये 22-23 मॉडल में थी तो, लेकिन अब एड हो गए ना, अब 23 में ही लिया आप तो एक बात यही मानो जब तक देने चाहिए थे, खैर लेकिन अब तो हो चुके, लेकिन अब बालों को कमी महसूस होती है वो वेंटिलेटर वाली, और इसके बाद डिस्प्ले भी थोड़ी सी ना लैग सी है, हाँ इतनी स्मूथ है नहीं जैसे देखा जाए ना, ये थोड़ी ढीली चलती है, कुछ सेकंड्स का वो आता है अंतर, वो फील होता है ठीक है, वैसे वैसे महिंद्रा के हिसाब देखा जाए तो भाई बिल्कुल परफेक्ट है, आउटपुट इससे हमको मतलब नहीं, कोई जब भी अपना एम्प फिट करवा रखा है आउटपुट तो भाई सारे स्पीकर अब आपके एम्प से कंट्रोल हो रहे हैं, सारा सबका एम्प से करवा दिया कनेक्शन आपने, दोनों फोर चैनल ही एक ही है मोनो भाई है। एक है तो दूसरा फोर चैनल का कोई सीन नहीं है, एक फोर चैनल है, अच्छा एक मोनो एक फोर चैनल है, तो भाई मिड चलेगी, मिड वरना इनसे कंपनी वालों से नहीं चलती, वो आउटपुट नहीं आता हाँ। उठा तो लेंगे ये भी लेकिन आउटपुट नहीं दे पाएंगे, तब कितने की लोडिंग्स पड़ेगी टोटल देखा जाए तो 3-4.5 लाख रुपए के या 4 लाख रुपए कैसे पड़ेगी भाई, 4 के करीब पड़ेगी, वो मैं बीच में ये नहीं बोल गया था कि भाई अभी इसमें कंपनी वाले लग रहे, भाई कंपनी वाले लग नहीं रहे, मैं ये बता रहा था कंपनी वाले स्पीकर होते हैं ना जो हाँ। वो अगर हमारा एम्प है ना तो हाँ। यहाँ रहेंगे अपनी वोकल देने में, और जो जैसे हमने अब जो लगवा रखे ना वो इक्वल आवाज देते हैं, एम्प से कनेक्ट है क्योंकि अपने वाले, तो वो एम्प वाली आवाज देंगे यहाँ से तेज और वहां से भी तेज, ऐसे हिसाब है उनका, आप यहाँ से कुछ भी करते रहो ट्रम से ट्रम वो वहां से सेट है ना, 19-20 का फर्क पड़ेगा डिस्प्ले से, और तो वो पूरा एम्प से चलेगा कनेक्शन, तो ये चीज है क्योंकि यहाँ से यार आउटपुट दब जाता है, कन्वर्टर कन्वर्टर लगवाना पड़ता है फिर आउटपुट कम हो जाता है उससे, तो पीछे से एम से चल रहा है मेन कनेक्शन, एम से चल रही है भाई, तो भाई बढ़िया, भाई ने सारी चीज बता दी, तो ये थी भाई आज की कुछ वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।